बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आपके साथ आज जो है वो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक नया सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट है जी 11th क्लास की फिजिक्स का सब्जेक्ट। आप मेरे साथ देखेंगे, आपके साथ फिजिक्स के लेक्चर्स भी स्टार्ट किए जा रहे हैं। और इससे पहले जो है वो इस चैनल के ऊपर मैट्रिक लेवल तक का आपको इस्लामिया तर्जमतुल कुरान मजीद, इसके अलावा कुछ फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स भी आपको मिलेंगे। इंटरमीडिएट के भी कुछ प्रैक्टिकल्स जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, और इंशाल्लाह ताला आगे जो है वो इसी तरह प्लेलिस्ट मॉडिफाई होती जाएगी और मज़ीद आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें मिलते जाएंगे। तो 11th क्लास यानी कि प्री फर्स्ट ईयर के सेशन में आपने मेरे साथ जो है वो लास्ट वीक से स्टार्ट किया देखना तर्जमतुल कुरान मजीद के लेक्चर्स, और आज इस वीक से आप मेरे साथ देखोगे इस मंथ में आप लोग फिजिक्स के भी हम कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आपके साथ हैंड रिटन नोट्स फिजिक्स के शेयर किए जाएंगे, बहुत अच्छे नोट्स होंगे और बहुत अच्छे मार्क्स स्टूडेंट ने गेन किए हुए हैं जिसके नोट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। वो नोट्स अगर आप पढ़ लेते हो और लेक्चर समझ लेते हो, बुक से पढ़ लेते हो, तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो थर्ड किसी गाइड बुक की या किसी इवनिंग कोचिंग बुक की आपको ज़रूरत नहीं पेश आएगी इंशाल्लाह ताला, अगर आप लोग वक्त पे उन नोट्स के साथ जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आप लोगों को एक लुक भी दिखा देती हूँ स्क्रीन के ऊपर कि ये आपके पास नोट्स होंगे और आपके पास एक चैप्टर के ऑलमोस्ट 19 to 20 पेजेस के ऊपर नोट्स होते हैं वो बेस होंगे। न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व मिलेंगे, आपको शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे, इसके अलावा आपको एडिशनल क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। इस तरह से ये हमारे पास हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि वन बाई वन बेस्ड ऑन द टॉपिक के साथ साथ आपके पास जो है वो रोज जो है वो स्क्रीन पर आपको शेयर कर दिए जाएंगे। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो कि अपनी तमाम चीज़ें को अपने एक रजिस्टर में कंपाइल अप कर सकते हो, अपने उसको लिख सकते हो, उसको स्क्रीनशॉट लेके आप उसका पीडीएफ क्रिएट कर सकते हो ताकि आपके पास चीज़ें जो है वो सेव होती जाए। तो इंट्रोडक्शन में हमने आपके साथ यही आपको बताना था कि चैप्टर नंबर 1 से आज हम स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट्स। इसका आज पहला लेक्चर भी देखेंगे कि हमारा फिजिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है 11th क्लास में। इसी तरह 11th क्लास में फिजिक्स का पेपर कितने मार्क्स का आता है, कितने शॉर्ट होते हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता हमारा जैसे जैसे कंटिन्यू होता जाएगा, सिलेबस कवर होता जाएगा, तो इन सारी डिटेल्स को भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो आज आप मेरे साथ देखना स्टार्ट करोगे यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट्स 11th क्लास की फिजिक्स है ये हमारे पास। इसमें आपको पता चलेगा कि आपके पास फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं, इसके बाद आपके पास जो है बेस यूनिट्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं, ड्राइव यूनिट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रीफिक्सेस पढ़ेंगे। और अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें वही होंगी जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। अगर आपने वो चीज़ 9th क्लास में 5 लाइन्स के ऊपर पढ़ी थी तो अगर आपके पास अब वही टॉपिक 10 to 15 लाइंस के ऊपर बेस्ड हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा सा खींच के उन्होंने उसकी क्या कर दी जी इंफॉर्मेशन को बढ़ा दिया है। कुछ न्यू टॉपिक्स भी होंगे, साइंटिफिक नोटेशन आपने पहले भी देखा, प्रीफिक्सेस आपने पहले देखे हुए हैं, फिर आपने बेस क्वांटिटीज डिराइव क्वांटिटीज भी पहले देखी हुई है, तो अब हम लोग उसको थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ, थोड़े ज्यादा कॉन्सेप्ट के साथ क्या करेंगे जी डिस्कस करेंगे। आज का जी पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन का है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, आपका पेज नंबर 1 आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। लास्ट स्टार्ट होता है, एवर सिंस मैन हैज स्टार्टेड टू ऑब्जर्व थिंक एंड रीजन ही हैज बीन वंडरिंग अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हिम। He tried to find the ways to organize the disorder prevailing in the observed facts about the natural phenomena and material things in an orderly manner. His attempts resulted in the birth of a single discipline of the science called the natural philosophy. ये आपके पास एक MCQ आता है कि इंसान के और इंसान ने जब अब ऑब्जर्व करना शुरू किया उसके बाद नेचुरल फिनोमेना और मटेरियल थिंग्स ने एक कौन सी नई डिसिप्लिन ऑफ द साइंस को जन्म दिया, उसे हम क्या कहते हैं जी नेचुरल फिलोसफी। देयर वॉज अ ह्यूज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज अप टिल द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी एंड इट वॉज फाउंड नेसेसरी टू क्लासीफाई द स्टडी ऑफ नेचर इन टू 2 branches, the biological sciences which deal with the living things and physical sciences which concern with the non-living things.
आपके पास यहाँ पे आ गया जी एक शॉर्ट क्वेश्चन कि हमारे पास साइंस जो है वो किन दो ब्रांचों में डिवाइड हो रही है। पहले ही आप मार्क करो एक एमसीक्यू, ये एमसीक्यू के लिए मार्क कर लो, और साथ ही आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहला कि बायोलॉजिकल साइंसेस क्या होती हैं, इसको आप मार्क करो कि बायोलॉजिकल साइंसेस वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करेगी विद द लिविंग थिंग्स। उसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द फिजिकल साइंसेज, तो फिजिकल साइंसेज इज द ब्रांच ऑफ द साइंस व्हिच डील्स और कंसर्न्स विद द नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये आपके पास दो ब्रांचेस ऑफ साइंस आ गई जो कि जरूरी है किसी भी नेचर को, नेचर ऑफ स्टडी को डिवाइड करने में। साइंस की नेचर ऑफ स्टडी को पढ़ने के लिए दो मेन ब्रांचेस आ जाती हैं, वो कौन सी, बायोलॉजिकल साइंस व्हिच डील्स विद द लिविंग थिंग्स एंड फिजिकल साइंसेज व्हिच कंसर्न विद द नॉन लिविंग थिंग्स। आगे क्या कह रहा है कि फिजिक्स इज एन इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पार्ट ऑफ फिजिकल साइंसेज बिसाइड इट्स अदर डिसिप्लिन सच एज केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एटसेट्रा। तो फिजिक्स आपके पास कौन सी बेस कर रहा है ब्रांच के ऊपर, फिजिकल साइंसेज के ऊपर, यानी कि ये कंसर्न किसके ऊपर है इसका, नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर। तो ये आपके पास एक फिजिक्स की डेफिनेशन आ गई कि व्हाट डू यू नो अबाउट फिजिक्स और डिफाइन फिजिक्स। तो आपने उसका इंट्रोडक्शन क्या बताना है कि इट इज एन इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पार्ट ऑफ फिजिकल साइंसेज बिसाइड इट्स अदर डिसिप्लिन सच एज केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड जियोलॉजी एटसेट्रा। फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड द साइंटिफिक मेथड एम्फसाइजेस द नीड ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ वेरियस मेजरेबल फीचर्स ऑफ द डिफरेंट फिनोमिना और ऑफ द मैन मेड ऑब्जेक्ट्स। दिस चैप्टर एम्फसाइजेस द नीड ऑफ थोरो अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ द मेजरिंग टेक्निक्स एंड रिकॉर्डिंग स्किल्स। आगे आपका जो टॉपिक 1.1 है ये है जी आपका मेन टॉपिक, और ऊपर वाले टॉपिक में से आपका सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है, फिजिकल साइंस क्या होता है, और फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है कि फिजिक्स हमारे पास क्या है जी, ब्रांच ऑफ द साइंस है जो किससे डील करी, फिजिकल साइंसेस से, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक पार्ट है बिसाइड इट्स अदर डिसिप्लिन्स। और अदर डिसिप्लिन्स कौन कौन से होते हैं, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एटसेट्रा। आगे आ जाते हैं जी अपना मेन टॉपिक, टॉपिक नंबर 1.1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। और ये वाला टॉपिक भी हमारे पास जी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी भी किस्म का कोई लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह नहीं बनता। एक दफा इसको रीड आउट कर लेते हैं और समझ लेते हैं। एट द प्रेजेंट टाइम देयर वाज द थ्री मेन फ्रंटियर्स ऑफ द फंडामेंटल साइंसेज। कितने मेन फ्रंटियर्स ऑफ द फंडामेंटल साइंसेज हैं जी, थ्री मेन फ्रंटियर्स हैं, और पहली लाइन ही आपको क्या दी गई है, पहला एमसीक्यू, तो इसको आपने मार्क कर लेना है। पहला आपके पास फ्रंटियर क्या है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। द वर्ल्ड ऑफ द एक्सट्रीमली लार्ज, द यूनिवर्स इटसेल्फ, रेडियो टेलीस्कोप्स नाउ गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फार साइड ऑफ द यूनिवर्स एंड हैव रिसेंटली डिटेक्टेड एज रेडियो वेव्स द फायर लाइट ऑफ द बिग बैंग व्हिच प्रोबेबली स्टार्टेड ऑफ द एक्सपेंडेड यूनिवर्स नियरली 20 बिलियन ईयर्स अगो। यानी कि पहला फ्रंटियर किसके ऊपर है, द वर्ल्ड ऑफ द एक्सट्रीमली लार्ज थिंग्स के ऊपर हमारे पास क्या आ जाता है, पहला फ्रंटियर। सेकेंड फ्रंटियर आपको क्या कह रहा है, जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, द वर्ल्ड ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी कि बहुत छोटी चीजों का, नैनो लेवल की चीजों पे आप चले जाएं, तो वो आपका सेकेंड फ्रंटियर ऑफ द फिजिक्स वो क्या है, सच एज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मेसॉन्स एंड अदर। आपको पता है कि इनका मास कितना छोटा होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 × 10⁻³⁻³ kg के अराउंड अबाउट हमारे पास इसका मास होता है। प्रोटॉन्स का 1.67 × 10⁻²⁷ kg होता है। तो इतना एक्सट्रीम लेवल पे, इतना नैनो लेवल पे हमारा सेकेंड फ्रंटियर ऑफ द साइंस जो है वो बेस करता है, और उसमें क्या क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मेसॉन्स एंड अदर जितने हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स हो गए, बीटा पार्टिकल्स हो गए, गामा रेज होंगे, इस तरह से सारी चीजें हमारे पास किस पे आने स्टार्ट हो जाती है, सेकेंड फ्रंटियर ऑफ साइंस। थर्ड फ्रंटियर क्या है, इज द वर्ल्ड ऑफ द कॉम्प्लेक्स मैटर, इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड ऑफ द मिडल साइज थिंग्स। यानी कि सबसे पहला आपके पास क्या है जी, बहुत ज्यादा लार्ज साइज, सेकेंड आपके पास बहुत ज्यादा स्मॉल साइज, और थर्ड आपके पास मीडियम साइज आ गया। From molecules at one extreme to the other at the earth. This is all the fundamental physics which is the heart of science. ये आपके पास एक short question आ जाता है कि explain the three main frontiers of science, of the fundamental science. तो उसमें आपने पहले वाले को, second वाले को और third वाले को इस तरह से explain करना है कि first is the world of the extremely large things such as the universe itself. Second is the world of the extremely small particles such as electrons, protons, neutrons. Third is the world of the middle size things such as the particles or the molecules at one extreme to the other at the
अदर साइड ऑफ द अर्थ। ये होगी आपके पास पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन टू द फिजिक्स, उसने आपको थ्री मेन फ्रंटियर्स बता दी ऑफ द फंडामेंटल फिजिक्स। आगे क्या कह रहा है कि बट व्हाट इज फिजिक्स, जहां पे उसने आपको फंडामेंटल साइंस के ऊपर बात की है वो कह रहा है कि अब आप बताएं कि फिजिक्स क्या होती है। तो अब आपके पास डेफिनेशन भी आ गई और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ गया है व्हाट इज फिजिक्स, तो आपने मार्क कर लेना इसको। फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो ये आपके पास क्या आ जाती है, ये फिजिक्स की डेफिनेशन आ जाती है। और फिर क्या कह रहा है कि द स्टडी ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेटिंग सच थिंग्स सच एज द लॉ ऑफ मोशन, द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेस एंड टाइम, द नेचर एंड द टाइप ऑफ फोर्सेज दैट होल्ड द मटीरियल्स डिफरेंट मटीरियल्स टुगेदर, द इंट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स, द इंट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द मैटर एंड सो ऑन। तो ये आपके पास क्या आ गई जी फिजिक्स। तो फिजिक्स की जब आप डेफिनेशन लिखो तो आपने थोड़ी सी एक चीज यहाँ पे ऐड करनी है, वो आपने क्या ऐड करनी है कि फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ द साइंस which deals with the study of matter and energy and the relationship between them। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है। और यहाँ पे आपने क्या चीज ऐड करनी है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मैटर एंड एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। ये आपके पास आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया डिफाइंड फिजिक्स या व्हाट इज फिजिक्स। आगे क्या कहते हैं जी, बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी मैनी फिजिसिस्ट स्टार्टेड बिलीविंग दैट एवरीथिंग अबाउट फिजिक्स हैज बीन डिस्कवर्ड। 19th सेंचुरी के एंड पे यही समझा जाने लगा था कि तकरीबन फिजिक्स की तमाम चीजों को साइंटिस्ट ने क्या कर लिया जी, डिस्कवर कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाउएवर अबाउट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी मैनी न्यू एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स रिवील्ड दैट द लॉज फॉर्मुलेटेड बाय द प्रीवियस इन्वेस्टिगेटर्स नीड मॉडिफिकेशन। तो जैसे 20वीं सदी का आगाज हुआ तो क्या जरूरत पेश आई कि जितने लोगों ने पहले लॉज इन्वेस्टिगेट किए थे, लॉज को फॉर्मुलेट किया था, उसमें मजीद मॉडिफिकेशन की जरूरत है। Further researchers gave birth to many new disciplines in the physics such as एक नया discipline हमारा generate हो गया nuclear physics, जिसमें हम लोग सारा atomic level को deal करते हैं, जिसमें हम electrons को देखते हैं, protons को देखते हैं, हम अपना nuclear fission reaction देखते हैं, nuclear fusion reaction देखते हैं। ये सारा nuclear based process हमारे पास किस branch of physics में आया, nuclear physics में आया। और nuclear physics आपके पास किस चीज के ऊपर deal करती है, deals with the atomic न्यूक्लियाई, इसके ऊपर हमारे पास क्या कर रही है, ये चीज बेस है और इसके ऊपर ही हमारे पास ये डील करती है। फिर आगे हमारे पास आ जाता है जो कि यहाँ पे आपको एक पेज जो है वो यहाँ से मिस्ड आउट भी मिलेगा और वो पेज यहाँ पे है। तो आपके पास पेज नंबर 2 के बाद स्क्रीन पे जो है वो पेज नंबर 3 यहाँ पे आपको मिलेगा। और वो क्या कह रहा है, पहले तो आपने न्यूक्लियर फिजिक्स को मार्क कर लिया। न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद एक और डिसिप्लिन जनरेट हो गया और वो क्या था, पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स क्या था, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के लिए मार्क करेंगे, विच इज कंसर्न्ड विद द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ विच द मैटर इज कंपोज। ये आपके पास क्या आई जी, पार्टिकल फिजिक्स के, पार्टिकल फिजिक्स हमारे पास क्या होती है, किसी भी मैटर यानी के पार्ट एवरीथिंग अराउंड अस हमारे पास क्या होता है, मैटर होता है। और उसके ऊपर अगर हम जो स्टडी करते हैं कि ये मैटर एक चीज़ है मेरे पास, ये किस चीज़ से बनी हुई है, इसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है, अगर मेरे पास कंप्यूटर यूज़ कर रही हूँ मैं तो कंप्यूटर के अंदर जो कीबोर्ड है वो किस मटेरियल से बना हुआ है, अंदर हमारे पास जितनी उसकी चिप्स लगी हुई हैं, जितना उसका सर्किट बोर्ड लगा हुआ है, उसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगे हुए हैं, उसका मटेरियल क्या है, वो किस मैटर से कंपोज है, वेदर सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, क्या चीज है, इस चीज की सारी स्टडी हमें क्या कहलाएगी, पार्टिकल फिजिक्स। आगे आपके पास एक और डिसिप्लिन जनरेट हुआ 20th सेंचुरी के बिगनिंग में और वो क्या था, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में क्या था, विच डील्स विद द वेलोसिटीज अप्रोचिंग दैट ऑफ द लाइट एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स विच इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड, बट दिस लिस्ट इज बाय नो मीन्स ऑफ एग्जॉस्टिव। तो यहाँ पे दो और ब्रांचेस क्या से आगे, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में क्या है कि हर वो चीज़ जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ अप्रोच करेगी। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है हमारे पास, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी तेज होती है स्पीड ऑफ लाइट कि आपकी यानी कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा मैटर जो कि उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी चलने की कितनी होगी जी, अप्रोच करती होगी स्पीड ऑफ लाइट के साथ, तो वो किसके अंडर आके फॉल करेगा, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो कि स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर।
आगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या होती है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की, और आगे हायर लेवल्स पे इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे पीएचडीज और एमफिल करवाया जा रहा होता है। इसमें क्या होता है कि हम सॉलिड्स का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। अगर मैंने एक कंपाउंड लिया है सपोज मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड MOS2 इन शॉर्ट फॉर्म हम इसे कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये अर्थ अबंडेंट है, ये बहुत अच्छा कंडक्टर है, इस चीजों को सारी चीजों को पढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो ये आपके पास क्या हो गया जी, सबसे पहले न्यूक्लियर फिजिक्स आई इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, जो हमारे पास डील करती एटॉमिक न्यूक्लियर के साथ। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया पार्टिकल फिजिक्स, और एमसीक्यूज भी इसी में बनता है कि जो आपके पास डील करेगा कि मैटर किस चीज से बना हुआ है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करेगा, और सॉलिड स्टेट फिजिक्स आपको किसके साथ डील करवाएगा, स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। आगे क्या कहता है, फिजिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंसेस एंड प्रोवाइड्स अदर ब्रांचेस ऑफ द साइंस बेसिक प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल लॉज। दिस ओवरलैपिंग ऑफ फिजिक्स एंड अदर फील्ड्स गिव बर्थ द न्यू ब्रांचेस सच एज फिजिकल केमिस्ट्री। अब हमारे पास मजीद कौन कौन से ब्रांचेस आ गई, फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास आ गई, बायोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स जिसमें हम स्पेस वगैरह की सारी बात करते हैं, और हेल्थ फिजिक्स, ये हमारे पास किस में आ गई, एक न्यू फिजिक्स की ब्रांच जनरेट हुई जब हम लोगों ने पुरानी फिजिक्स की ब्रांचेस को क्या किया जी, ओवरलैप। फिजिक्स आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर अ पोटेंट फोर्स फॉर अ चेंज इन द आउटलुक ऑफ द मैनकाइंड। द इंफॉर्मेशन मीडिया एंड द फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैव ब्रॉट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद वन अनदर। Events in one part of the world immediately reverberate around the globe. We are living in the age of information technology. The computer networks are product of the chips developed from the basic ideas of the physics. The chips are made of silicon. ये आपका एक बहुत important MCQ है कि ये सारी chips किससे बनी होती हैं? Silicon से। Silicon can be obtained from the sand. ये भी आप MCQ mark करोगे कि silicon कहाँ से हम ले सकते हैं? From the sand. It is up to us whether we make a sand castle or a computer out of it. क्या अब ये हम पर है कि हम मिट्टी के घर बना रहे हैं या फिर अपनी technology को मजीद advance करने के लिए हम computer और उसके मिलाई हुई chips use करते हैं। ये आपका पहला टॉपिक है आज 1.1 जो हमने कंप्लीट किया। इसके साइड पे आप देखें डू नो जॉब एमसीक्यूज के लिए मार्क करेंगे, क्योंकि आपको पता है आपने ईकैट आगे देना होता है, एमकैट ईकैट, उसके लिए एमसीक्यूज को आपने साथ साथ मार्क करना होता है। कंप्यूटर चिप्स आर मेड फ्रॉम वेफर्स ऑफ द मेटलॉइड सिलिकॉन। कौन सा सिलिकॉन यहाँ पे यूज हो रहे हैं, हमारे पास वेफर्स यूज हो रहे हैं ऑफ द मेटलॉइड सिलिकॉन, और वो हमारे पास क्या है जी, असेमी कंडक्टर। इसी के साथ आपके पेज नंबर 2 के ऊपर आपके पास कुछ और शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट आर द इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ द फिजिक्स, उसमें आपने क्या बताना है कि एस्ट्रोफिजिक्स, बायोफिजिक्स, केमिकल फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, जियोफिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स, फिजिक्स ओशनोग्राफी एंड फिजिक्स ऑफ म्यूजिक। इसके अलावा एक और शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है आपके पास, एरियाज ऑफ फिजिक्स में हमारे पास क्या आती है, मैकेनिक्स आती है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होती है, ऑप्टिक्स, साउंड, फिर आपके पास आ जाएगी जी हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स के बाद आपके पास स्पेशल रिलेटिविटी जो स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर डील करता है सारा, उसके बाद जनरल रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, उसके बाद मॉलिकुलर फिजिक्स, उसके बाद आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स आएगी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स आ जाती है, पार्टिकल फिजिक्स, सुपर कंडक्टिविटी, सुपर फ्लूडिटी, प्लाज्मा फिजिक्स, मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स और स्पेस फिजिक्स। तो ये इतनी सारी हमारे पास क्या है, ब्रांचेज हैं फिजिक्स की, एरियाज ऑफ द फिजिक्स हैं, जिसमें जो है इंटरमीडिएट के बाद आप लोग किसी एक फील्ड को चूज कर सकते हो। और अगर कहीं पर तो ऐसे होता है कि BAS ऑनर्स हमारे पास करवाया जा रहा था फिजिक्स में, और MPhil में आप जाके किसी एक फील्ड को क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो कि आप वेदर यू आर गोइंग टू स्पेशलाइज इन द मैकेनिक्स और स्पेशल रिलेटिविटी, या फिर आप पार्टिकल फिजिक्स को डेट के चलते हो, सॉलिड स्टेट फिजिक्स को लेकर चल रहे हो, न्यूक्लियर फिजिक्स को चल रहे हो, एस्ट्रो फिजिक्स चल रहे हो, तो ये आपका बात का कॉन्सेप्ट और आपका इंटरेस्ट जो होता है वो आपको इस के ऊपर लेके आता है कि आप लोगों ने किस तरह के फील्ड में आगे जाना। अगर आज के टॉपिक के नोट्स देखे जाए, नोट्स आपके पास चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स के आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। आज हमने पढ़ा है जी सिंपल इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं।
इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स आपने सिर्फ क्या करना है, किसके लिए करना है जी, सिर्फ आपने करना है एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए करना है, और वो बुक पे आपको क्या करवा दिए जी, अंडरलाइन करवा देंगे। इसके बाद कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, इंशाल्लाह ताला उसके भी नोट्स इस तरह से शेयर किए जाएंगे। तो इसके जो है वो नोट्स नहीं है, इसका आपको बता दें नोट्स में मेंशन है कि आप एमसीक्यू तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करेंगे और वो बुक पे अंडरलाइन आपको करवाए गए हैं, तो आपको करवा दिए हैं। पहले आपके पास शॉर्ट बना, ब्रांचेस कितनी है हमारे पास बेसिक साइंस की, उसके बाद उसकी कौन कौन सी, बायोलॉजिकल साइंस क्या होती है, फिजिकल साइंस क्या होती है, थ्री मेन फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। डिफाइन फिजिक्स क्या है, आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है ये आपसे बताना है। फिर पार्टिकल फिजिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन एमसीक्यूज के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको आनी चाहिए। उसके अलावा चिप्स जो होती हैं कंप्यूटर चिप्स की, आपके पास कहाँ से बनती है, सिलिकॉन से, और सिलिकॉन हमारे पास कहाँ से आती है, सैंड से आती है। तो ये था जी आज का हमारे पास 11th क्लास के फिजिक्स का पहला लेक्चर, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर, समझ भी आया होगा जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। वन बाय वन अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे, टॉपिक्स को कंटिन्यू करते जाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ से रीड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने आपके साथ नोट्स जो है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी, उन नोट्स को आपने पढ़ना है। जैसे जैसे आपको बताया जाए आप वैसे करते जाएंगे, तो नोट्स और बुक की हेल्प से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, मज़ीद आपको इंशाल्लाह ताला किसी तीसरी हेल्पिंग बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में जाते हुए जी मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।